ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, जो चाहूँ करूंगा। जाओ यहाँ से अभी, जाओ अभी कभी। तुम लोग क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। ये लीजिए मैम साहब, ये रहा आपका कमरा। अच्छा है कमरा तो। अरे वाह, पुरानी इजी चेयर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जी मैम साहब, ये तो हमारे सरपंच जी का बड़प्पन है कि उन्होंने ये बंगला और उससे जुड़ी सारी चीजें गांव वालों के भविष्य के लिए दान कर दी। लेकिन मैम साहब, ये कमरा बहुत छोटा है। लेकिन अच्छा है, घर जैसा। जी मैम साहब। मैम साहब आप थक गई होंगी, हाँ अब आप आराम कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो या तकलीफ हो तो आवाज दे देना। हाँ हरि नारायण जी, सुबह नाश्ते में आप मुझे अंडा और दूध दे देंगे? जी मैम साहब। और कुछ चाहिए होगा तो कल लिस्ट दे दूंगी। जी चलता हूँ। ओके। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे यहाँ पर हाथ उठाना पड़ा। लेकिन आप क्या कर रहे थे? तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वरना ये टैंक तो मुझे मार ही देती। मैंने कहा था ना मैंने इसे उसी वक्त स्कूल से निकाल देना चाहिए था। आज मेरे कमरे में आकर मुझे मारना चाहती है। सर ये रीवा का कमरा है। हाँ आप क्या कह रहे हैं, रीवा आपके कमरे में नहीं है, आप रीवा के कमरे में। ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने कमरे में था। अगर यहाँ कैसे आए, जरूर इसकी चाल है। ये मुझे मारना चाहती है। मुझे चाल मेरी नहीं आपकी है, आप मुझे मारने की रास्ते से मेरे कमरे में आए। सर आप यहाँ इस वक्त? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए, अंदर आइए। थैंक यू। सर आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, इट्स ओके। सरपंच जी सही कहते थे, स्कूल का सारा टेंशन लेकर मैं घूमता रहता हूँ, इसलिए मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आई एम सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया, तुम्हारे साथ जो बात की, रियली सॉरी। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। सर एक मिनट, मैं आती हूँ। सब समझता हूं। ये टीचर नहीं, डैन है, डैन। ये इसकी चाल है, इसका असली रूप देखना चाहते हो ना? मैं अभी दिखाता हूं, इसका असली रूप अभी दिखाता हूं। एक मिनट इधर, चलो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी देखो, इधर आप देखो, देखो। अभी के अभी यहाँ से चले जाइए और रीवा मैडम को अकेला छोड़ दीजिए, वरना मुझे मजबूरन सरपंच को खबर करनी पड़ेगी। रीवा मैडम आप अपना ख्याल रखिए। मैम साहब ये रहा आपका सामान। हाँ और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, अब मैं चलता हूँ। सुनो नारायण जी। मैम साहब क्या तुम जानते हो उस औरत को जो उस पेड़ के नीचे बैठती है? औरत पेड़ के नीचे? वहाँ कोई औरत नहीं है मैम साहब, ये तो आपका भ्रम है। नहीं ये मेरा भ्रम कैसे हो सकता है, अगर ये मेरा भ्रम होता तो मुझे ही दिखाई देती, लेकिन प्रिंसिपल सर को भी दिखाई देती है। अरे मैम साहब वो भी आपकी तरह थके हुए थे, बहुत टेंशन में थे, इसलिए उनको औरत दिखाई दे रही है।
अब मैम साहब मुझे देखो ना, मैं किसी चीज की टेंशन नहीं लेता, तो मुझे कोई लड़क नहीं दिखाई देती। नहीं, वो है और वो ही प्रिंसिपल सर की जान लेना चाहती है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं उनकी जान के पीछे पड़ी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही औरत प्रिंसिपल सर को मारना चाहती है? मारना चाहती है, लेकिन भला वो क्यों मारना चाहती है? मैम साहब, वो औरत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तुम्हें कैसे पता कि वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती? इसका मतलब कि तुम जानते हो कि वो औरत कौन है। प्लीज मुझे बताओ कि वो कौन है। मैम साहब, मेरा मतलब है कि बिना जान पहचान के और आपको और प्रिंसिपल साहब को कोई भला कैसे चोट पहुंचा सकता है? मैम साहब, मुझे बहुत काम है, मैं भी निकलता हूँ। रुको, तुम सब जानते हो, मुझे सच से बता दो ताकि हम सब इस मुसीबत से निकलें। ठीक है, बताता हूँ। मैम साहब, वो पहले यहाँ कभी नहीं दिखी, लेकिन कुछ दिनों से अचानक वो उस पेड़ के नीचे दिखने लगी। मैं काफी दिन से उसे देख रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद कोई बेघर औरत है जो यहाँ चुपचाप बैठी रहती है और किसी से कभी कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन उसने कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। वो रोज यहाँ उस पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। एक दिन मैंने उसे भगाने का फैसला किया। वो दिन आज भी मुझे याद है। कौन है तू? मैं कितने दिनों से तुझे देख रहा हूँ यहाँ पर, हैं? अरे बच्चों का स्कूल है ये, तेरे बैठने की जगह नहीं है, चलो। अरे उठ ना, अरे तेरे को सुनाई नहीं देता क्या, हैं? अरे मैं तुझसे बोल रहा हूँ। सर, आप ये क्या कर रहे थे? मुझे क्या हो गया था? मैंने क्या किया? डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन डालूंगा। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, जान से तुम यही ठहरो। मैं अभी सरपंच के पास जाता हूँ और बताता हूँ तुमने कैसे मुझे जान से मारने की कोशिश की हो। मैं भी बताता हूँ, रुको ये। मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। बचाइए मान जी, मुझे बचाइए, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए मान जी, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा तो तुम्हारी वही करेगा, अगर जाना है तो उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। हरिओम शिवोम, हरिओम शिवोम। पागल कर देगी, समझ में नहीं आता क्या करूं। साहब जी, चाय। चाय? चाय मैंने कब मंगाई? आप ही ने तो कहा था थोड़ी देर पहले चाय। मैंने कहा था? ठीक है ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गया? लग रहा है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है साहब, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है साहब। चलो, कोई तो है जिसे मुझ पर भरोसा है, पर पता नहीं
इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा? साहब, आप पुराना माने तो एक बात कहूं। हाँ बोलो। आप एक गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। आपको और इस स्कूल को इस गहरी मुसीबत से निकालने में एक ही इंसान मदद कर सकता है। कौन? महंत जी। महंत जी? हाँ साहब, महंत जी वो बहुत ही ज्ञानी है साहब, और हम अपने ज्ञान से काफी लोगों को नई दिशा दी है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तुम ठीक कहते हो, मुझे उनके शरण में जाना होगा। वही मदद कर सकते हैं, वही इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक कहते हो। ओम नमः।